नमस्कार मैं विनय गुप्ता कैथल ब्रेकिंग टीवी से इस समय हम मौजूद हैं कैथल के चौधरी मोहल्ले के एक घर से जो है विनोद कुमार जी का जिनकी ये समस्या है कि उनके घर के बगल वाली छत पर एक मोबाइल टावर को लगा दिया गया है इनका मानना है कि ये मोबाइल टावर ना केवल गैर कानूनी है बल्कि इस मोबाइल टावर को चलाने वाले यंत्र जैसे कि जनरेटर व अन्य मशीनरी इनके घरों की दीवारों को भारी क्षति पहुँचा रहा है इनका कहना है कि इन्होंने इस बारे में उच्च अधिकारियों को और सरकार को कई बार पत्र के जरिए और सी विंडो शिकायत के जरिए भी चेताया है मगर उच्च अधिकारियों ने हर बार कोई नया बहाना करके इस समस्या को टाल मटोल कर दिया है इस समय हमारे साथ खुद विनोद कुमार जी मौजूद हैं जो इस पूरी समस्या के बारे में आपको बताएंगे देखो ये विजन इंडिया कंपनी का टावर है जिसकी हमने जानकारी इन, 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 इ, जिस छत पर यह लगाया उसके मकान मालिक को भी दी है लेकिन मकान मालिक कहता है भाई मैं तो इसमें कुछ नहीं कर सकता मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट है अब देखो जी वो ये बात कैसे कह रहा है कैसे नहीं हम नहीं पता और रही बात गैर कानूनी और कानूनी की देखो जब प्रशासन ने लगाने की अनुमति दी है तो उस चीज़ को आप गैर कानूनी नहीं कहते क्योंकि अब तो फिर आप कैसे कहते हैं विनोद जी की गैर कानूनी है और आपने क्या स्टेप लिया इस टावर के बारे में कंप्लेंट करने का नहीं देखो हम ये नहीं कहते कि गैर कानूनी है लेकिन जो एक सब लोग कहते हैं और ये साबित भी हो चुका है कि इससे जो है हमारी बीमारियों बीमारियों का भी हम इसमें शिकार होते हैं और उसके बाद ना जो इसके यंत्र लगे हुए हैं जैसे ऊपर जेंट सेट भी इसका रखा हुआ है और जो इसकी मशीन्स हैं इसको मेंटेन करने वाली उनसे जो मतलब एक जब धड़कन पैदा होती है जब वो जनरेटर चलता है या फिर वो मशीन अपनी वर्किंग में होती हैं तो कंपन को महसूस भी किया जा सकता है तो क्या आपने या आपके साथ वाले पड़ोसियों ने मिलकर कभी समस्या को उच्च अधिकारियों के सामने इकट्ठे मिलकर उठाया है कि क्या उन्हें भी इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है बिल्कुल हमने उठाया है और लिखित में हमने शिकायत भी कमेटी में दर्ज कराई हुई है और ये हमारे भाई साहब हैं पड़ोसी दर्शी मदान जी आ, इनका घर जो है बिल्कुल साथ लगता है और इन्होंने इसकी शिकायत सीएम विंडो तक पे भी डाली हुई है क्या जवाब मिला सीएम विंडो के बाद ये जो जवाब मिला ये आपको निडर हो बताएंगे आइए सर नवशाह जी ये टावर की मैंने कंप्लेट डाली थी जो उन्होंने बस आए और चेक करा कह रहे हैं इसकी वजह से ये कुछ नहीं है टाल मटोल कर गए इस बार कौन कौन, कौन अधिकारी थे क्या आप उससे संतुष्ट हो गए उस कंप्लेंट से उनके निवारण से नहीं ना क्योंकि ये तो हमारे घर में तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है ना और रात को जो इसकी मशीनें इतनी आवाजें करती है जिससे हम सो भी नहीं पा रहे हैं और छतों का तो ऐसा हाल है कि क्या पता कल ही गिर जाए इस चीज़ से हम बहुत परेशान हैं तो अब आप इसका क्या निवारण देखते हैं अब आप इसमें क्या एक्शन लेंगे या सरकार से क्या मांग करते हैं तो सरकार से यही मांग है या तो इसको हटाया जाए या इसको कुछ ही तरह भी मतलब जो भी इनके वर्कर हैं कुछ उनको भेज के चेक करवाएं क्या है क्या नहीं और इस चीज़ का इलाज करें मतलब ठीक करवाएं कुछ भी तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ के निवासियों का कहना है कि ये टावर काफ़ी बड़ी समस्या बनी हुई है जिसकी शिकायत उन्होंने कई बार उच्च अधिकारियों से प्रॉपर चैनल से भी की है लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल सका है इनका ये मानना है कि ना इस टावर की कंपन बल्कि इस टावर से निकलने वाली घातक तरंगे भी स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हैं तो हम यही अपील सरकार से और उच्च अधिकारियों से करते हैं कि एक बार इनकी इस समस्या की ओर भी ध्यान दिया जाए ताकि अगर ये समस्या इनकी वाकई वाजिब है तो इस पर कड़ा जो है एक्शन लेकर इसका निस्तारण किया जा सके कैथल ब्रेकिंग टीवी से विनय गुप्ता कैमरा मैन नसीब सैनी के साथ